आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी उदास क्यों हूँ, क्यों मैं इतनी अपसेट हूँ, और डेली तो इतने अच्छे से हैप्पी हैप्पी रहती हूँ और आज थोड़ा सा मैं दुखी हूँ। एक्चुअली रीज़न बताती हूँ, बताती क्या हूँ गाइस, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ, तो थोड़ा सा आइए मेरे साथ आप लोग। तो फैमिली यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं, हमारा जो सिराजी मेल है ये बैठा हुआ है, और ये हमारा मेरे लिए तो स्पेशली है क्योंकि ये गिफ्टेड पेयर है मेरे लिए, और कितनी ज़्यादा खुश थी मैं कि गिफ्ट में मेरे को सिराज ही मिले हैं। और दो दिन आप लोगों ने देखा भी था मैंने कितने अच्छे से वीडियो भी शूट की थी और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इनकी सब चीज़ को लेकर। बट फैमिली अभी मैं बता देती हूँ कि देखिए मेल जो है हमारा यहाँ पर बैठा है और उसके जस्ट ये देखिए बराबर में आप लोग यहाँ पर ये पेटी देख रहे होंगे, इसके अंदर ये देखिए हमारी जो फीमेल है वो डेथ कर गई है, और अभी हमारा जो सिराजी मेल है बिल्कुल अकेला हो गया है। और फैमिली अभी मैं रीज़न भी आप लोगों को बता देती हूँ, रीज़न वैसे मेरे को खास ऐसा मालूम नहीं है क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक थे, ये मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, और बिल्कुल ठीक एक्टिव भी अच्छे से फीड वगैरह सब कुछ ले रहे थे। तो भी क्या हुआ था कि रात में जब मैं छत पर आई थी तब मैंने इनको देखा था, तो ये कल मैंने इनको बंद तो कर ही दिया था मिनी केज में, तो आराम से बैठे हुए थे, फीड वगैरह मैंने सब कुछ रख दी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मॉर्निंग में भी सब कुछ बिल्कुल एकदम से ठीक। बट पता नहीं सडनली इसको क्या हुआ और अचानक से मेरे को ये, जब मैंने नेक्स्ट टाइम सेटअप के अंदर एंट्री की जैसे ही, तो मेरे को ये ऐसे पड़ी हुई मिली यहाँ पर। तो फैमिली इतना ज़्यादा दुख हुआ मेरे को देखकर, दुख की तो बात ही है क्योंकि इतनी खुशी थी मुझे इनके आने से मेरे सेटअप पर, और बहुत टाइम से मैं आप लोगों से भी बोल रही थी, आप लोगों ने बोला था कि सिराजी लेकर आइए, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इस बात से भी खुश थी कि सिराजी आ गए। बट फैमिली यार इतने ज़्यादा टाइम मेरे साथ रहे ही नहीं, इस बात का मुझे और ज़्यादा दुख है क्योंकि क्या होता है कि फैमिली जब भी कुछ ऐसे कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारी पसंद की हो या जिससे हमें थोड़ा सा भी लगाव हो जाए और खुश हो हम उसे लेकर, बट अचानक से वो छोड़ कर चले जाए या हमसे दूर हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फैमिली यही हुआ है, और अभी वैसे मैंने और एक बात हो रहा है, इतनी ज़्यादा केयर करने के बाद सब कुछ, मतलब इनका ध्यान रखती हूँ मैं, सब कुछ ठीक ठाक, और क्लीनिंग वगैरह भी सब कुछ टाइम टू टाइम सब कुछ ठीक होता है, बट फिर भी पता नहीं अगर ये सब ऐसा कुछ हो जाता है, कोई परिंदा सेटअप से भाग जाए या कोई डेथ कर जाए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उस टाइम। तो अभी तो फैमिली खैर जो हुआ सो हुआ, कर क्या सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा पास से इसको। तो इसको अभी आप देख सकते हैं, देखिए नीचे हमारी फीमेल, मैंने इसको यहाँ पर निकाल कर रख दिया है बाहर, और ये फीमेल है हमारी सिराजी जो कि अब डेथ कर चुकी है, या कह सकते हैं मेरे को छोड़कर चली गई है, सेटअप को ही छोड़ दिया है, और फैमिली अब शायद वो वाली बात है ना, जो एक बार चला जाए वापस तो लौट कर आता नहीं है, तो अब तो मेरे को ये दोबारा मिलने से रही। हाँ लेकिन हो सकता है कि पेयर तो मैं कंप्लीट कर दूंगी, फिर से ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं उसको अकेला रहने भी नहीं दूंगी। पहले भी मेरी एक जो फीमेल कल्सरी कबूतरी डेथ कर गई थी, तो जल्दी मैंने उसके लिए फीमेल ला कर दे दी थी, वो पेयर कंप्लीट हो गया था, तो अभी मैं इसको अकेला तो रहने नहीं दूंगी, जल्दी इसके लिए एक और फीमेल लेकर आऊँगी। बट फैमिली ये कहते हैं ना, थोड़ा सा गिफ्टेड जो कोई चीज़ हमें कोई इतने अच्छे से कोई भी कुछ भी गिफ्ट करता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, तो पर खैर कुछ नहीं हो सकता। तो और बाकी फैमिली अभी मैं इसको जल्दी ही कोई सेफ जगह देखकर और फिर मिट्टी में मैं इसको दबा दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि ये जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे, और अभी जल्दी हमें अपने सिराजी मेल के लिए कोई अच्छी सी फीमेल मिल जाए, और जल्दी मैं लेकर भी आऊँगी फीमेल, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड टेक केयर।